तो गाइज़ ये है एप्पल एयरपॉड्स 2। आज का वीडियो गाइज़ एप्पल एयरपॉड्स 2 पे ही बना हुआ है पूरा का पूरा, जो कि अभी 16,000 की प्राइस में है गाइज़। और ये मेरे पास ओरिजिनल एयरपॉड्स 2 है। साथ ही साथ गाइज़ आपको एक छोटा सा इंट्रो देखने को मिलेगा जो कि इसी एयरपॉड्स के लिए बनाया गया है। और आपको अगर कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, यूज़र नेम आपको दिख रहा है इंस्टाग्राम पे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट कर देना। तो गाइज़ चलिए बढ़ते हैं इस इंट्रो, और इंट्रो के बाद बढ़ते हैं तो गाइज़ इंट्रो के बाद हम आ चुके हैं वीडियो पे। तो गाइज़ आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में है एप्पल के एयरपॉड्स 2, जो कि दोस्तों ओरिजिनल एयरपॉड्स 2 है। आप देख सकते हो पीछे सारी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, जो भी डिटेल्स है सारी दी हुई है, जो कि चाइनीज़ में है दोस्तों। समझ में आती नहीं है इतनी चाइनीज़। और यहाँ पर देखो इस साइड पर भी सारी चीज़ें लिखी गई है, इसकी डिटेल्स दी हुई है जो कि एयरपोर्ट से जुड़ी हुई डिटेल्स है, सिर्फ एयरपोर्ट्स के रिलेटेड। और उसके बाद में इस साइड पे एप्पल का लोगो है, और इस साइड पे भी एक चमकदार एप्पल का लोगो है। ये देखो एप्पल का लोगो है यहाँ पे। और उसके बाद में दोस्तों ये एयरपॉड्स का पैकेज है, तो चलिए फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं और इसके बॉक्स कंटेंट्स क्या है देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर निकलती है लाइटनिंग केबल, जो कि लाइटनिंग केबल है एयरपॉड्स को चार्ज करने के लिए। और यहाँ पर है कुछ पेपर वर्क, जो कि बेसिक सा पेपर वर्क आता है हर प्रोडक्ट के साथ, हम देखते हैं। तो इस पेपर वर्क के अंदर एयरपोर्ट से जुड़ी हुई डिटेल्स है, कनेक्टिविटी के बारे में है, कनेक्टिविटी कैसी है, किस किस के साथ कनेक्ट हो सकती है, तो सारी चीज़ें इसमें डिटेल वाइज दी हुई है। और यहाँ पे देख सकते हो कि रेड लाइट और ग्रीन लाइट का भी दिया हुआ है। और इस साइड पे मार्क किया हुआ है एयरपोर्ट्स, जो कि इस प्रोडक्ट की डिटेल को बताता है हमें, एयरपोर्ट्स हैं ये यहाँ पर एयरपोर्ट्स। और यहाँ पर इसकी वॉच के साथ कनेक्टिविटी है, आईपैड के साथ है, और मैक के साथ भी है। और इस पेपर को रखते हैं गाइस साइड पे और आते हैं अपने चमकदार चमचमाते एयरपोर्ट्स पे। ये देख सकते हो दोस्तों छोटा सा एयरपोर्ट है, लेकिन इसका बॉक्स क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। और पीछे लिखा गया है डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया असेंबल्ड इन चाइना, सारी डिटेल दी हुई है। बॉक्स काफ़ी अच्छा है और ये वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। और आप देख सकते हो कि सामने इस बार लाइट जो शो करती है वो सामने दिया गया है, ना कि अंदर, तो यूज़र को पता चल जाता है कि अब कनेक्टिविटी के लिए तैयार है। ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मतलब शार्प है ये। और यहाँ पे ये चार्जिंग लाइटनिंग पोर्ट है, जिससे कि नॉर्मली आईफोन्स आप यूज़ करते हो तो आपको पता है कि लाइटनिंग पोर्ट है क्या। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये लाइटनिंग पोर्ट है जो कि चार्ज करने के काम आता है। ओवरऑल जो ये वो एयरपोर्ट्स की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। जो बॉक्स है, ये केस है, काफ़ी अच्छा है, रेविलेंट है, यूज़ करने में काफ़ी बढ़िया है। वाइट कलर का जो है ये काफ़ी शाइनी भी है, ग्लॉसी भी है। और ये मैं आपको बताता हूँ कि चार्ज मतलब लाइटनिंग बोर्ड कैसे चार्ज करता है, मैं आपको खाली अंदर इंजेक्ट करके बता रहा हूँ कि कैसे चार्ज होता है ये। तो ये लाइटनिंग बोर्ड है, ये भी काफ़ी बढ़िया। और इस साइड पे जैसे नॉर्मल केबल्स आती है वैसा है। तो ये तो गाइस सिंपली ये जो लाइटनिंग पोर्ट है ये यहाँ पे मतलब इस केबल को डाल देना, जिससे आप इस केबल को अटैच करोगे तो वैसे ही ये चार्जिंग हो जाएगा। आगे मैं आपको इसकी चार्जिंग डिटेल बताऊँगा, चार्जिंग कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ओवरऑल जो आप देखा जाए ना दोस्तों, इस एयरपोर्ट्स का जो एक फिज़िकल ओवरव्यू है वो काफ़ी अच्छा है। एयरपोर्ट्स की कनेक्टिविटी काफ़ी शार्प है। आगे हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो गाइस देख सकते हो कि ओवरऑल बहुत क्वालिटी बहुत अच्छी है बॉक्स की, बिल्कुल भी स्लीपर नहीं है, हाथों से फिसलता नहीं है। तो बात करते हैं इसी कनेक्टिविटी की, तो दोस्तों देख सकते हो कि मैंने अपने मोबाइल में ब्लूटूथ चालू करूंगा। अब जैसे मैं ब्लूटूथ चालू करूंगा और यहाँ पे देख सकते हो कि डिवाइस अब स्कैन होगी, जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो सामने देख लेना आप तुरंत ही मतलब एयरपोर्ट्स का शो करने लग जाएगा नेटवर्क। ये एंड्रॉयड और आईओएस दोनों में कनेक्ट होता है, ना कि केवल आईओएस में, एंड्रॉयड में भी कनेक्ट होता है। तो आप देख सकते हो कि सामने आपके एयरपोर्ट्स का जो आएगा, ये देख सकते हो एयरपोर्ट्स आ चुका है अवेलेबल डिवाइस में, और ये फटाफट से पेयर हो जाएगा। अब ये पेयर हो गया है गाइस, देखो ये पेयर हो गया है। और इसी कनेक्टिविटी आप जैसे खुद देख सकते हो इस कनेक्टिविटी कितनी शार्प है, तुरंत ही पेयर हो चुका है कोई बिना किसी दिक्कत के। और हम इसको इनको निकाल लेते हैं और आते हैं इन अपने टीनी छोटे एयरपोर्ट्स पे, जो कि काफ़ी हल्के हैं, वेट में तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब बिल्कुल भी वेट नहीं है।
और इनमें जो पूरा ये पैनल है जो एयरपोर्ट्स के जो ऊपर का जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा टच स्क्रीन है, मतलब टच से काम करता है ये। जैसे अभी देखा आपने गूगल असिस्टेंट स्टार्ट हो गया, ये जो सारी चीज़ें हैं टच टच से काम करती है। और एक नॉइस कैंसिलेशन का जो माइक है वो भी है, और काफ़ी मतलब फ्यूचरिस्टिक सा है। इतनी सी चीज़ में काफ़ी फीचर्स दिए गए हैं एप्पल के लिए। और गाइस ये एयरपोर्ट्स एकदम ओरिजिनल है, ना कि कोई क्लोन है, एकदम ओरिजिनल है ये एयरपोर्ट्स। तो इनकी प्राइसिंग भी काफ़ी मतलब 16,000 अप्रोक्स थी कुछ ऐसी, यहाँ 16,000 अप्रोक्स थी। तो आते हैं इसकी साउंड क्वालिटी पे। तो गाइज़ अभी जो आपने ऑडियो सुना वो था इन एयरपोड्स का, जो कि मैंने भी आपको बजा के दिखाया था। एयरपोड्स का ऑडियो आपने सुना ही था। और उसके बाद में दोस्तों आगे इसकी जो ओवरऑल क्वालिटी है एयरपोड्स की, मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी, क्वाइट इंप्रेसिव, बहुत अच्छी है। ये जो मैग्नेटिक वाला फील्ड है ये मतलब सामने अट्रैक्ट नहीं होता है, मैग्नेटिक लगा हुआ है। देख, नॉर्मली मैं इसमें बॉक्स में डालूंगा तो सिंपली अपने बॉक्स में अटैच हो जाएंगे। और देखो ग्रीन लाइट जल रही है, यानी कि कनेक्टिविटी के लिए तैयार है एयरपोड्स। फिलहाल तो कनेक्टिविटी हो चुकी है एक डिवाइस में, जैसे ही मैं इसको अंदर डालूंगा एकदम फटाक से दोस्तों अंदर जाके चिपक जाते हैं। इनका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मैग्नेटिक इफेक्ट है, बहुत अच्छा है। ओवरऑल मैं इन एयरपोड्स 2 से काफ़ी इंप्रेसिव हूँ। और इसकी बैटरी लाइफ भी क्वाइट इंप्रेसिव है, मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। और आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। फिलहाल तो मेरे पास लाइटनिंग केबल ही है। और उसके बाद में दोस्तों देख सकते हो कि इसकी चार्जिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एकदम अच्छी, लेकिन क्वाइट इंप्रेसिव है, मतलब 10 में से 8 का कुछ मिलता है। और ये केस भी है गाइज मेरे पास एक रेड कलर का, जो कि मैंने प्रोफेशनली इस एयरपोर्ट्स के लिए लिया है। और ये केस भी काफ़ी अच्छा है, केस की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है एकदम, मतलब सिल्क केस है, मतलब ऐसा कहता है ना जैसे स्पंज वाला केस है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और ये आजकल आप देख सकते हो कि एयरपोर्ट्स लोग कम नोटिस करते हैं, एयरपोर्ट्स का कवर लोग ज़्यादा नोटिस करते हैं। तो ये कवर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और थोड़ा महंगा भी है कवर। ओवरऑल जैसे कि आपने 16,000 के एयरपोर्ट्स परचेज़ किए हैं, तो कवर भी तो आपको अच्छा लेना होगा। तो गाइज़ एट द एंड में भी आपको यही कहना चाहूँगा कि इन एयरपोर्ट्स को यूज़ करिए, खरीदिए। और इस वीडियो को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए नए वीडियोज़ देखने के लिए। तब तक के लिए बाय गाइज, मिलते हैं अगली कमाल वीडियो में।